नमस्कार और स्वागत है आपका देश के पहले लाइव स्ट्रीम शो पे, जो कि क्रिप्टो पे फोकस है, जहाँ पे हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज पे, उनके उनसे जुड़े हुए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे, अलग अलग कॉइन्स पे, वो सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से चल रहा है क्रिप्टो का बाजार, कहाँ निकल रहे हैं मौके मुनाफा कमाने के, क्या सावधानियां बरती जाए और किस तरीके से काम किया जाए। सारी चीजों में मदद हमारी करते हैं खास मेहमान एक्सपर्ट्स, जो कि बाजारों को, क्रिप्टो के बाजारों को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हम क्रिप्टो के एक नई दुनिया में काम करने जा रहे हैं या बात करने जा रहे हैं। नई मेहमान, एक खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हमारे साथ में जुड़ रही हैं पूनम जी। पूनम रघुवंशी जी हैं, जो कि पैसा रोज की फाउंडर हैं और क्रिप्टो के बाजार को बहुत अच्छे से समझती हैं, स्टॉक मार्केट को भी अच्छे से समझती हैं और कहीं ना कहीं दोनों को जोड़ करके कई बार अच्छी स्ट्रेटेजीज निकाल लेती हैं, तो वो और कंपेरिजन भी कर पाते हैं। तो बहुत स्वागत है पूनम जी आज शो पे। गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग एलेक्स सर, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ठीक है, मैं अच्छा हूँ। और इंटरेस्टिंग चीज इस समय एक और चर्चा, जो एक और चीज को हम जिसको समझ सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं समझने की, जो मेरे लिए एक सवाल था जो मैंने सोचा था कि आपसे मैं पूछूंगा, वो ये है कि क्या ये जो युद्ध की स्थिति है, यूक्रेन रशिया वाली जो चीजें हैं, उसका सब बाजारों पर असर पड़ा, खराब असर पड़ा, वो सारी चीजें तो ठीक है, एक चीज है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं गिरावट, जो कि पहले तो कमजोरी थी और जो कि सभी बाजारों में थी, तो ऐसा नहीं कि केवल क्रिप्टो के बाजार में थी, बिटकॉइन ही नीचे नहीं था, इक्विटी भी नीचे था और खराब हो रहा था, थोड़ा कमजोर था या एक कहीं एक साइडवेज उसमें रुका हुआ था और उसके अंदर में और गिरावट या कमजोरी आई इस युद्ध की खबरों के चलते। लेकिन एक ओवरऑल चीजें अगर मैं समझने की कोशिश करूं, तो क्या कहीं कुछ ऐसी चीजें निकल रही हैं, या अगर मैं सोच रहा हूं, क्या मैं सही सोच रहा हूं कि इस युद्ध की जो स्थिति बनी है और यूक्रेन और रशिया के अंदर में जो सैंक्शन और वो सारी चीजें जो हो रही हैं, जो इकोनॉमिक कह लीजिए, जो जो चीजें करी जा रही हैं, जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, बम गिराने, मिसाइल चलाने, जहाज के अलावा, वॉर के अलावा, वॉर से अलग हट करके जो वॉर, इकोनॉमिक वॉर जो चल रही है, इसको कहा जाए, उसके अंदर में क्या कहीं कुछ ऐसी चीजें निकल रही हैं जिससे कि उल्टा क्रिप्टो के बाजार को फायदा मिल रहा है, कॉन्फिडेंस मिल रहा है और उसका एक यूजेज बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर मैं ऐसा देख रहा हूँ या सोच रहा हूँ, तो क्या मैं सही सोच रहा हूँ? जी, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है एंड मैं चाह रही थी कि इस एस्पेक्ट का बाकी लोग भी जानकारी रखें और वो समझे कि कैसे क्रिप्टो एक जो डिसबैलेंस है इन जियोपॉलिटिक्स, उसको एक डिसेंट्रलाइज तरीके से, डिसेंट्रलाइज रास्तों का इस्तेमाल करके कैसे वो दो अनइक्वल कंट्रीज को एक सिमिलर प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। एंड डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जो दाओ कहते हैं, दाओ हैज been helping Ukraine to combat Russia. कैसे एक कंट्री अपनी एक आइडेंटिटी को बचाने के लिए, जहां पे वो एक मैसिव सुप्रीम पावर से फाइट कर रही है एंड उसका हेल्प कर रहे हैं उसके ही सिटीजन जो उस देश में और उस देश के बाहर है। तो डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन ने $3 million यूक्रेन को फंड रेज किया है एंड वो मिलिट्री को सपोर्ट कर रहे हैं एंड दो सम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इन द सेंस कि लेकिन कहीं ना कहीं क्रिप्टो इज हेल्पिंग पीपल जो यूक्रेन से निकल के कजाकिस्तान में फॉर एग्जांपल निकल गए हैं। कजाकिस्तान में उनको फिजिकल सिक्योरिटी तो मिल रहा है लेकिन क्योंकि उनके क्रेडिट कार्ड बंद हो गए हैं या इकोनॉमिकली वो बिटकॉइन की मदद से, जो बिटकॉइन की मदद से उन्होंने कार खरीद रहे हैं या जो भी उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो उनको उस देश में नहीं मिल पा रही थी, अगर वो बाहर निकले तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो इज हेल्पिंग पीपल टू सेव देयर लाइव्स एंड ऑल्सो सेव देयर ओन कंट्री। यूक्रेन की मिलिट्री ने दाओ की मदद से $3 million फंड रेज किया है। तो जिस तरीके से यूरोप सेंक्शन कर रहा है रशिया को कि वो रशिया कॉम्बैट ना करे यूक्रेन से, वहीं एट द सेम टाइम ट्विटर पे आप देख रहे हैं कि जो वॉर है वो यूक्रेन जीत रहा है। तो ये काफी एक अच्छी सिचुएशन देखने को मिल रही है एंड मुझे लगता है अगर मैं एक लाइन में ये कहूं कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में जो विनर है वो क्रिप्टो है, तो क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं एंड मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि जहाँ आप एक साइड पे जिस पे आप बात कर रहे हैं कि यूक्रेन को किस तरीके से मदद हो रही है या जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं वॉर के जोन के अंदर में, चाहे वो किसी साइड में हो, ज्यादातर निश्चित रूप से यूक्रेन की साइड के हैं, उनको जिस तरीके से फायदा मिला, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम, एक ऐसा न्यूट्रल सिस्टम जो कि टेक्नोलॉजी पे आधारित है और जिसपे किसी का भी कंट्रोल नहीं,
एक तरफ तो वो करेंसी यूनिवर्सल करेंसी जैसा इस्तेमाल हो रहा है, तो जहां पे पहले इस तरीके की चीजों में डॉलर होता था और उसके साथ में उसके चैलेंजेस होते थे कि आप अपनी करेंसी को कन्वर्ट कराते थे डॉलर में, तब फिर आपको पता होता था कि आप जिस भी देश में जाएंगे, जिस बॉर्डर पे भी जाएंगे, जहां भी होगा डॉलर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तो वो उसका एक सब्स्टिट्यूट या उसका एक अल्टरनेट अब क्रिप्टोज में आ गया है, बिटकॉइन में आ गया ज्यादातर, वो एक चीज है। और दूसरी चीज रशिया को भी जिस तरीके से आइसोलेट कर रही है सारी दुनिया, जब आज एक चीज मैं देख रहा था कि स्विफ्ट जो कहा जाता है कि जो कि ऑनलाइन पेमेंट्स का एक पूरा मॉडल है और एक एसोसिएशन है करीब 37-38 देशों का जो कि आपस में स्विफ्ट अलाउ करते हैं, स्विफ्ट यानी जिसको कि हम अपने लोकल उसमें RTGS और NEFT कहते हैं, ट्रांसफर मनी ट्रांसफर का उसका इंटरनेशनल जो कोड होता है वो स्विफ्ट कोड के मार्फत होता है, वो जब डिसेबल किया जा रहा है या ब्लॉक किया जा रहा है कि रशिया नहीं कर सकता वहां पे भी, तो वो ठीक है कि हम किसके साइड की बात करें वो अलग है, कौन सही है कौन गलत है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं कि रशिया सही है या यूक्रेन गलत है, वो अलग लोगों का वो है, एक बहस है और वाली चीज है। लेकिन अगर हम सिर्फ क्रिप्टो की बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंट एक फ्रीडम का सिंबल निकल के आ रहा है जिसमें उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप सही हैं गलत हैं, आप मजबूत हैं बड़ा देश हैं रशिया है या आप कमजोर छोटा देश है यूक्रेन है, आपके ऊपर अटैक हो रहा है या आप अटैक कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा। ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एक इस तरीके का एक मैकेनिज्म, एक इकोनॉमी, एक करेंसी, एक पैरेलल जो कि फिर भी आपके साथ में वैसा ही है, तो उस पर असर क्यों होना चाहिए? मेरी जेब में जो पैसे हैं ये मैं तय करूं या मेरे वो पैसे की ये कोई और क्यों तय करे कि ये पैसे की कीमत खत्म हो गई है, क्योंकि ये तो वो वाले देश की करेंसी है जिस देश को सबने बंद कर दिया या सबने ब्लॉक कर दिया, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया, ये कोई और देश या बाकी देश मिलकर के क्यों तय करें? ये तो उसकी जो जी ऑल्सो नॉट जस्ट मतलब कंट्रीज, ये लीडरशिप का भी है कि कोई लीडर एक व्यक्ति एट द टॉप ऑफ जो सेंटर है वो क्यों डिसाइड करे कि उसके सिटीजन्स का जो पावर है, जो फाइनेंशियल पावर है वो भी। तो क्रिप्टो इज बेसिकली हेल्पिंग टू विन द फाइट बिटवीन सेंटर एंड डिसेंट्रल, जो मतलब एक सेंट्रल वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन की जो वॉर थी उसमें जो डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है crypto is helping that decentralization to win. तो ये financially वही कह रहा है कि democracy जिसको कहते हैं, अगर हम political system में बात करें तो ये एक democracy लोकतंत्र होता है, लोग तय करते हैं कि हमारा राजा कौन होगा, हमारा लीडर कौन होगा, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। यूक्रेन एक डेमोक्रेटिक नेशन है और उस तरीके की चीजें हैं, वही अलग अलग देश जो एक दूसरे के ऊपर बुलिंग करते हैं वो वाली चीजें, यहाँ पे वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम इकोनॉमिकली अगर बात करें तो वो एक्चुअल एक डेमोक्रेटिक करेंसी बन करके निकल रहा है जिसका कि कोई एक देश, कोई एक आदमी, कोई एक लीडर तय नहीं कर रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी और ये कितनी घटेगी और कितनी बढ़ेगी। ये सारी दुनिया सब जगह और सिस्टम पे चल रहा है, ये कहीं ना कहीं उस तरीके से अफेक्टेड नहीं है। तो मार्केट फैक्टर्स को लेकर के अफेक्टेड होना एक चीज होना है कि ऊपर नीचे होना और कम ज्यादा उसका बिटकॉइन की प्राइस आज कितना कल कितना था वो अलग चीज है, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज अपने आप में एक डेमोक्रेटिक करेंसी निकल करके और अपने आप को एक अच्छा मौका है जहां पे एस्टेब्लिश कर रही है और दोनों के लिए कर रही है, तो वो एज अ कंट्री भी कर रही है, एज एन इंडिविजुअल भी कर रही है। तो बहुत सारी चीजें जैसे हम बात कर रहे थे या देख रहे थे, अगर हम उसको समझे कि रशिया के अंदर में भी अगर आप हैं, मान लीजिए मैं रशियन स्टॉक मार्केट के अंदर में काम करता हूँ या इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरी भी इन्वेस्टमेंट जो है वो 50% हो चुकी है, रशियन मार्केट भी आधा क्रैश हो चुका है वाला। तो वो इंटरनली अगर हम बात करें तो लोग दोनों तरफ झेल रहे हैं परेशानी, उनका भी तो पूंजी आधी हो गई है, उनका भी तो सारा एसेट जो है वो आधा हो रखा है, लेकिन अगर वो क्रिप्टो में निवेशित होते या होंगे जितना भी परसेंटेज, वो 50% नहीं हुआ है क्योंकि वो बियॉन्ड अ लिमिट नहीं गिरा, वो सिर्फ इतने लोकल फैक्टर्स पे उसका असर नहीं हो रहा है, तो वो ग्लोबली चल रहा है। तो जब तक ग्लोबली क्रिप्टो नहीं गिरता है या कुछ और चीजें नहीं होती हैं तब तक वो उतना खराब नहीं हो रहा, तो वो शायद कहीं एक हेज की तरह काम कर रहा है और एक अच्छा अल्टरनेट निकल के आ रहा है। जो पहले कहा जाता था कि गोल्ड में निवेश कर लीजिए, क्रूड में कर लीजिए जब वॉर जैसी सिचुएशन हो, तो उसी की तरह एक अल्टरनेट निकल के आ रहा है क्रिप्टो और अब अच्छे से एस्टेब्लिश कर रहा है अपने आप को। जी बिल्कुल, जो वॉर है बेसिकली आई थिंक ये इन द लॉन्ग टर्म अगले 200-500 सालों में ये जो ड्यूरेशन है क्रिप्टो के लिए ये बहुत ही मेमोरेबल रहेगा, ये सिग्निफिकेंट रहेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं जो अल्टीमेट वॉर होती है या फिर जो इनइक्वालिटी है बिटवीन द वर्ल्ड, बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन, वो सिर्फ फाइनेंस या जो इकोनॉमिक पावर की वजह से ही है। क्रिप्टो इज हेल्पिंग टू इक्वलाइज कंट्रीज, पीपल एंड नेशंस।
तो आई थिंक जैसे पहले आपने कहा कि डॉलर मदद करता था किसी वॉर को, फॉर एग्जांपल एक पार्टी को अगर डॉलर सपोर्ट कर रहा है तो जो ऑपोजिट पार्टी थी वो डॉलर को अपोज करती थी, डॉलर को अपोज इन द सेंस वो यूएस के दुश्मन हो जाती थी। बट यहाँ पर क्रिप्टो जिस कंट्री को भी सपोर्ट कर रहा है, जिस जिन लोगों को भी सपोर्ट कर रहा है, तो वो कोई दुश्मन अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। इट इज हेल्पिंग एवरीबडी इक्वली, तो इट इज हेल्पिंग टू यू नो स्टेबलाइज द सिचुएशन। ये कोई एनिमीज क्रिएट नहीं कर रहा है, ये लोगों को स्ट्रेंथन कर रहा है। व्हेन पीपल देमसेल्व्स विल बी स्ट्रेंथन, देन जो वॉर का जो सिचुएशन है, जब लोग मजबूत होंगे तो उनकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी, गवर्नेंस में उनका स्टेक होल्डरशिप बढ़ेगा। जो कि जो दाओ कंपनीज हैं, जो दाओ क्रिप्टो कंपनीज हैं, उनमें जिस तरीके से जो प्रोसेस होता है, तो टेक्नोलॉजी से ये चीजें पॉलिटिक्स में रिफ्लेक्ट होने लगेंगी इन द अपकमिंग ईयर्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल इथेरियम है या लूना है या बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो में, वो जिस तरीके से फंक्शन करते हैं, जहाँ पे एक कोड सेट कर दिया जाता है एंड उसके बेसिस पे ऑटो अपने आप ही टेक्निकली प्रोसेस एग्जीक्यूट होते चले जाते हैं। तो ये वो टेक्निकल साइड है और वो शायद दर्शकों के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हम उसके जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है जो आप कह रही हैं कि लोगों को ताकत दे रहा है। तो कई बार ये भी हो सकता है हमारा लीडर जो कर रहा है, वो जो हम रशिया में भी देख रहे हैं कि वहां पे बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहा है अगेंस्ट वॉर, अगेंस्ट अटैक, रशिया ने ही अटैक किया है, लेकिन रशिया के लोग जो है वो उसके फेवर में नहीं है। तो वो कई जगह हम बहुत सारा ऐसी वाली वायरल फोटोज और वीडियोज देख रहे हैं जहाँ पे रशियंस खुद प्ले कार्ड दिखा रहे हैं, कह रहे हैं और माफी मांग रहे हैं कि सॉरी आई एम रशियन, उनको खुद अफसोस है कि मैं रशियन हूँ और रशिया ने अटैक किया है। तो वो वाली सारी चीजें हो रही है, यानी रशियन पीपल आर नॉट happy and all in for this kind of attack। तो वो कह रहे हैं कि ये अच्छी चीज नहीं है, हमारे लीडर जो कर रहा है, पुतिन जो कर रहे हैं, वो उनके साथ में नहीं है और उनसे सहमत नहीं। इसकी ताकत यहाँ से आ जाती है कि अगर आपके, और ये क्योंकि कई बार आपको मजबूरी में चुपचाप बैठ करके ये करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप नहीं करते तो आपका वैल्यूएशन, आपका वैल्यू, आपका एसेट, आपका मनी सब कुछ नीचे होता है, खराब होता है, और वो दूसरों के हाथ में बनी, वो आपके लीडर के हाथ में भी है, वो इंटरनेशनली भी बहुत सारे लीडर्स के हाथ में है कि वो उसको कंट्रोल घटा बढ़ा सकते हैं और कहीं ना कहीं उसका वैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन या वो एप्रिसिएशन, वो सारी चीजें एक्सटर्नल फैक्टर्स और उन लोगों पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि वो रशिया में ही जैसे हम देखें तो पॉलिटिकली जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जो डेमोक्रेसी लोग वहां पर एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ जो इलेक्शन प्रोसेस और जिस तरीके से भी है कि एक ही लीडर पिछले 10-15 साल से टॉप पोजीशन पे बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं लोगों में जो फ्रस्ट्रेशन था ऑफ नॉट हैविंग अ डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल सिस्टम, यू नो देखने में इट वाज अ डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल सिस्टम, बट कहीं ना कहीं हम भी जानते हैं कि रशिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है कुछ ना कुछ लूपहोल्स हैं उसमें। तो वो जो अपने इलेक्शन में वोटिंग में जो नहीं दिखा पा रहे, वो यहाँ पर वो दिखा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये जो लोग मजबूत हो रहे हैं, वो हर देश में मजबूत हो रहे हैं एंड कहीं ना कहीं ये वो दोनों चीजों में है। तो कम्युनिकेट करने के लिए सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा पावरफुल मीडियम निकल के आ रहा है, लेकिन उसको कई बार बहुत तरीकों से कंट्रोल करा जा सकता है, कर पाते हैं, क्योंकि उसको ब्लॉक करना और वो सारी चीजें, वो ऑप्शन सरकार के पास होता है। तो अगर सरकार को उससे फायदा नहीं हो रहा होता है या नुकसान हो रहा होता है, जैसे हमने देखा कि शायद, अगर मैं सही हूं तो शायद रशिया में फेसबुक पे शायद बैन लगा है या कुछ उन्होंने कर दिया है, क्योंकि उन्हें उससे फायदा ना होकर के नुकसान होता ज्यादा दिख रहा था। तो वो जब तक उनके लिए, उनके उस पीआर के हिसाब से काम कर रहा था, तब तक तो ठीक था, और जब उनके एजेंडा के अगेंस्ट जाने लगा, जब पब्लिक उसके अंदर में उस तरीके की खबरें और वो वाला अपना डिसेंट दिखाने लगी, तो उन्होंने बैन किया। तो वो वाली चीजें हैं। तो वो जो दिनेश जी कह रहे हैं कि इंडिया में भी अगेंस्ट है, लेकिन दिनेश जी हम बात ये कर रहे हैं कि उसकी ताकत हमारे पास नहीं है। तो अगर जैसे हम अगर नहीं चाहते हैं कि रशिया ने अटैक करना चाहिए यूक्रेन के ऊपर में, लेकिन दूसरी चीजें हमारे इतने सारा रशिया के साथ में इस तरीके का व्यापार है, जिस तरीके हम डिपेंडेंस है हमारी मिलिट्री और हमारी डिफेंस और सारी चीजों को लेकर के, 80% जो हमारा अम्यूनिशन है वो रशिया पे है, हमारे टैंक से लेकर के जहाज से लेकर के बहुत सारी चीजें, बहुत कम अब चीजें हैं जो कि और दूसरी कंट्रीज हैं, लेकिन वो फ्रांस और ये वो तो हम कर रहे हैं इसराइल के साथ में, लेकिन रशिया के साथ में बड़ा टाई अप है, सबसे बड़ा जो अम्यूनिशन का जो सेटअप है या कोलेबोरेशन है वो रशिया के साथ में है। हम चाह करके भी हम रशिया के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते, हमें अच्छा नहीं लग रहा होगा जी। ऑल्सो रशिया ने सिंस इंडिपेंडेंस, आपको याद होगा देयर वाज दिस क्राइसिस, फूड क्राइसिस था हमारे 1950s में ही, जब इंदिरा गांधी यूएस के पास गई थी फॉर आस्किंग वीट, मतलब गेहूं मांगने के लिए,
उसका आई थिंक 400 PL कुछ प्रोग्राम था, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, बट उस समय US ने हेल्प नहीं किया था, रशिया ने हेल्प किया था जब हम इकोनॉमिक क्राइसिस से भी जा रहे थे इन 1990. तो जब भी मदद की जरूरत पड़ी है रशिया ने हमेशा साथ दिया है भारत का. तो डिप्लोमेटिकली इट इज नॉट इन अ गुड सिचुएशन टू अपोज रशिया. हम रशिया से भी ठीक है कि रशिया क्या करता है, रशिया अपने आसपास के पूरे एरिया को एक साथ रखने की कोशिश कर रहा है. अब हमारे भले ही चाइना से रिश्ते अच्छे ना हो, हमारे भले ही पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे ना हो, लेकिन इन सब के रशिया से रिश्ते अच्छे हैं. तो इन सबको एक जगह लेकर के चल रहा है. इंडिया से रिलेशन है इसलिए चाइना से खराब करे, या चाइना से रिलेशन है इसलिए इंडिया से खराब करे, वो ये नहीं कर रहा है. तो रशिया पूरे रीजन को लेकर के चल रहा है जिसमें पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, क्योंकि ये सब एक साइड का ज्योग्राफिकली हम आपस में जुड़े हुए, आपस में सटे हुए एरियाज हैं और हम सब एक यूनाइटेड रहने चाहिए. और इसमें एक लीडरशिप रशिया निभा रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि जहां एक तरफ US खड़ा होता है उस वेस्टर्न साइड को लेकर के, जहां यूरोप एक साइड में खड़ा होता है एक बड़ी पावर बन करके, वहां हम भी खड़े हों और सब मिलकर के रहे. हम क्यों टुकड़ों में बटे रहे और उस चक्कर में रहे, तो वो एक अच्छी चीज है. और वो सारे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं वाली चीजें. लेकिन जो हम बात कर रहे हैं और जो जहां से हम क्रिप्टो के जो डिस्कशन की बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी लोगों को ये पावर हो. मेरा प्राइम मिनिस्टर क्या तय करने जा रहा है और उसमें मेरा एक रुपए का भी रोल नहीं है, क्योंकि मैंने 5 साल पहले वोट दिया था और सारी पावर उनको दे दी थी. और आज जो भी होगा वो वही तय करेंगे. वो मेरे लिए नुकसान हो सकता है, मेरे शेयर बाजार मेरा जितना पैसा वो डूब करके आधा हो जाए, चौथाई हो जाए, क्या हो जाए, ये सारी चीजें उनके डिसीजन पे डिपेंडेंट हो. वो ना हो करके एक लेवल की इंडिपेंडेंस है, एक लेवल का फ्रीडम है कि मेरा पैसा इस पर डिपेंडेंट नहीं है. अब मैं इसलिए नहीं सोच रहा हूँ कि रशिया को अटैक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब सोचते हैं तो ठीक सोच रहे हैं, वहां पे ठीक है कि वो समझ में आता है. लेकिन अगर ये फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब लड़ाई जो होती है, युद्ध जो होता है, वो अगला आगे के लेवल का युद्ध जो है फाइनेंशियल होता है. तो सैंक्शन जब लगा रहे, सारी दुनिया जो इस समय रशिया से युद्ध कर रही है लेकिन बम नहीं गिरा रही, अपनी आर्मी नहीं भेज रही, तो क्या भेज रही है वो सैंक्शन भेज रही है. हम रशिया के साथ में काम नहीं करेंगे, रशिया के साथ में बिजनेस नहीं करेंगे, रशिया के जहाज हमारे ऊपर से नहीं निकलेंगे. हर तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगा करके हम रशिया को आइसोलेट कर रहे हैं सारी दुनिया में इकोनॉमिकली. तो उस सिचुएशन में जब हम बात ये करते हैं कि अब आगे के युद्ध इस पे होने हैं, इकोनॉमिक्स पे होने हैं, तो फिर उसके अंदर में वो पैसा जो मेरा पैसा, पर्सनल पैसा, जिसका मुझे मेरे पैसे का इंडिया, रशिया और बाकी दूसरे देशों के गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं. मैंने खुद मेहनत करके कमाया है, मैं चाहता हूँ मेरे खाते में जो पैसा है उसकी वैल्यू इतनी रहे, उसके लिए मैं इतना दूसरों पर डिपेंडेंट क्यों रहूं. वो फ्रीडम, वो ताकत, वो क्रिप्टो करेंसीज देती है कि जब वो कहते हैं कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि US क्या कर रहा है, रशिया किस करवट बैठ रहा है, कौन किस पे बम गिरा रहा है, कौन से सारी दुनिया क्या करने जा रही है. आपका बिटकॉइन रेजिस्ट करता है, चार्ट पे दिखाता है कि सारी दुनिया एक तरफ, सारा युद्ध एक तरफ. ये क्रिप्टो करेंसीज में ये ताकत है और एक ये एक तरीके का फ्रीडम है. उसका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है. और अगर एग्जैक्टली बात करें तो इनफैक्ट उस युद्ध के दौर में, पिछले एक हफ्ते के दौर में अगर आप देखें, तो कहीं ना कहीं और ऊपर की तरफ ही चलता हुआ, रेजिस्ट करता हुआ, मजबूती दिखाता हुआ, इस तरीके की स्ट्रेंथ के साथ में चार्ट मुझे नहीं लगता कहीं कुछ इंडेक्स में आपको दिखेगा. और उल्टा है शायद ये, इसकी वॉलिटिलिटी उल्टा कम हो रखी है, जितनी वॉलिटाइल जो है जिस तरीके से बाकी इंडेक्स और बाकी इक्विटी हो रखी है. ठीक कह रहा हूँ पूनम जी? जी, वैसे भी जब भी युद्ध होता है तो जो युद्ध है या वॉर है वो कभी भी जो आम जनता है वो नहीं मांगती है, किसी भी देश की भी हो. तो जो वॉर होता है वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से होता है, लीडरशिप इश्यूज की वजह से होता है. और प्रीवियसली भी जब भी वॉर हुई है वो लीडरशिप की वजह से होती है, जो आम जनता है उसका कोई रोल नहीं होता है. तो इसमें यू नो क्रिप्टो इज हेल्पिंग अस कि जो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं उस स्टेट के कॉन्सेप्ट को ही वो एक बदलने की कोशिश कर रहा है. हमने देखा है कि जो स्टेट है या नेशन स्टेट की जो थ्योरी है या जो आइडेंटिटी है, 500 साल पुराना ही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है. तो जब पावर अल्टीमेटली लोगों के हाथ में आ जाएगा, तो जो ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम अपनी जो फिजिकल टेरिटरीज है उनसे पहचाने नहीं जाएंगे, बल्कि यू नो एक वर्ल्ड विल बिकम अ ग्लोबल विलेज इन द लॉन्ग रन इफ क्रिप्टो कंटिन्यूस टू डू जो भी वो करती जा रही है. तो आई थिंक तो ये एक यूनाइट करने का, एक आइडियल वर्ल्ड की तरफ बढ़ने के लिए एक अच्छा टूल है, एक मैकेनिज्म है. क्योंकि जब ये फ्रीडम सारी दुनिया में सबके पास वो ताकत हो जाती है, जब क्रिप्टो कहा जाता है या बिटकॉइन कहा जाता है कि कहां छप रहा है,
इसकी मिंटिंग कौन करता है, इसको चलाता कौन है, तो कोई नहीं चलाता। आप अपने कंप्यूटर पे आप अपने घर से बनाना शुरू कर दीजिए, आप अपने घर पे बनाइए, और कोई भी इसका कोई ये बैंक ऑफ नहीं है, तो कोई सा भी सेंट्रल बैंक और किसी भी कंट्री का बैंक जो उसको रूल कर सकता है, चला सकता है, घटा बढ़ा सकता है, कोई ऐसी चीज नहीं है। आप अपने घर पे भी बना सकते हैं, आपको बड़ी माइनिंग वो लगा करके आप बड़ा भी काम कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें, और वो ताकत हर किसी को सारी दुनिया में दे रहा है क्रिप्टो, तो वो उस ताकत पे हम बात कर रहे हैं, और वो एक आइडियल वर्ल्ड की तरफ, एक अच्छे पीसफुल वर्ल्ड की तरफ, एक ग्लोबल वन वर्ल्ड की तरफ बनने की दिशा में एक अच्छा कदम है, तो वो एक बेहतर चीज है। आज के चर्चा फिलहाल पूनम जी इसी पे और यहीं पे समेटते हैं। बस चलते चलते इस समय क्रिप्टो में कुछ खरीदारी शुरू कर दी है या अभी थोड़ा सा रुक करके इंतजार करना? जी, अभी टेक्निकल्स के बेसिस पे देखा जाए तो मैं 34,000 तक एक्सपेक्ट कर रही हूँ बिटकॉइन को, तो आई थिंक अभी 3-4 हजार का गिरावट और देखने को मिल सकती है अभी 10 दिन में 15 दिन में, तो आई सजेस्ट आप वेट कीजिए, एंड अगर 34 को क्रॉस करके नीचे 30 की तरफ जाता है तो फिर हमें 29 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जिसको देखकर हमें पता चलेगा कि वहां पर बाइंग करना है या थोड़ा और वेट करना है, लेकिन अभी के लिए नो बाइंग। ठीक है, ठीक, तो अभी के लिए नो बाइंग, वो संभला हुआ है, बचा हुआ है और रिस्पेक्ट कर रहा है अपने सपोर्ट लेवल्स को, तो इतनी सारी गिरावट और इतनी सारी चीजें उथल पुथल हलचल सब कुछ हुआ, उस तरीके से ऐसा कुछ मेजर टूटा हो या कुछ हुआ हो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है बिटकॉइन के अंदर में। जो नॉर्मल जो उसकी पहले से जो कि जितना भी जिस तरीके से एक लेवल में एक नीचे की तरफ जिन लेवल्स के आसपास आकर के वो रुका हुआ था या काम कर रहा था उन्हीं लेवल्स के आसपास है, इनफैक्ट निचले लेवल से थोड़ा सुधार भी दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ कि अगर उसको ग्लास हाफ फुल की तरफ देखने की कोशिश करेंगे तो आपको वो भी दिख जाएगा कि कहीं वो रेजिस्ट कर रहा है या मजबूती ही दिखा रहा है, अगर मैं ठीक कहूँ तो। ये 24 जनवरी से लेकर के आज की तारीख में अगर हम उसको कंपेयर करते हैं, जब युद्ध की बातचीत शुरू भी नहीं हुई थी या उस तरीके की कोई खबर नहीं थी पिछले एक महीने पहले, या बहुत ही ना के बराबर खबरें थी, और या जहां से शुरुआत हुई होगी चीजों के खराब होने की अगर हम किसी और बाजार की बात करें, तो एग्जैक्टली उस तारीख से, मतलब आज से एक महीने पहले 24 जनवरी के आसपास से शायद वहां बाजार खराब होना शुरू हुए होंगे, और अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो 24 जनवरी से आज तक सिर्फ वो ऊपर की तरफ ही चला है, अगर ट्रेंड को देखें तो वो बीच की वोलेटिलिटी को छोड़ दें और डाउन्स को छोड़ दें जो कि डेली के और नॉर्मल होते हैं, तो एक महीने में कहीं ना कहीं उसने नीचे के लेवल से 33,000 और 34,000 के लेवल से 41,000 पहले से के लेवल्स दिखाए हैं, तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं चीजें बदल रही हैं, ऑप्शंस नए आ रहे हैं, जिन चीजों को हम पहले कहते थे कि जब ऐसे स्थिति हो तो गोल्ड में देखें, क्रूड को देखें, अच्छा क्रिप्टो को देख करके हम उस तरीके की चीजों को कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया पूनम जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, सारी जानकारी शेयर करने के लिए और हमें बताने के लिए, सचेत भी रखने के लिए कि फिलहाल अभी इमीडिएटली बाइंग नहीं करनी है, थोड़ा और इंतजार करना है, चीजों को और बेहतर होने देंगे और उसके बाद ही शुरुआत करेंगे। बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।